हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, इस तेज़ गर्मी और धूप में जहां हम लोग अपने को इस गर्मी और धूप से बचाने की कोशिश करते हैं और अपने पौधों को भी छाया में रखना चाहते हैं और उन्हें भी धूप से बचाते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो धूप और गर्मी को बहुत अधिक पसंद करते हैं, और अगर धूप ना हो तो वो ना तो खिलते हैं और अगर खिलते हैं तो बहुत कम खिलते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी पर बना हुआ है कि मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स बताऊंगी जिनको आप तेज़ गर्मी में और धूप में लगा सकते हैं। धूप और गर्मी को वो बहुत अधिक पसंद करते हैं। ये सभी प्लांट्स मेरे गार्डन में लगे हुए हैं और गर्मी में गार्डन देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन कीजिए प्रेस। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको 7 ऐसे पौधों के नाम बताऊंगी जो कि गर्मी में बहुत अच्छे खिलते हैं और उनमें अगर आप पानी का ध्यान रखें, थोड़ा सा उनकी देखभाल करें तो वो बहुत अधिक फूल देते हैं। तो इनमें से पहला पौधा है ये प्राइड ऑफ इंडिया का, जिसे हम सावनी के फूलों के नाम से जानते हैं। ये पौधा देखिए मेरे गार्डन में मेरी बाउंड्री वॉल पे लगा हुआ है और इसमें ये पूरा फूलों के गुच्छों से भरा हुआ है। इसमें जितनी पत्तियां नहीं हैं उससे ज़्यादा इसमें फूल दिखाई दे रहे हैं। आज 4-5 साल पुराना ये पेड़ है और ये ज़मीन में लगा हुआ है और ये कितना अधिक देखिए फ्लावरिंग कर रहा है। बड़ा प्यारा ये पौधा होता है, कई रंगों में आता है, पर मेरे गार्डन में ये दो गुलाबी रंग में है। इसके अलावा ये पर्पल और वाइट कलर में भी आता है और ये देखने में बहुत अधिक खूबसूरत लगता है। तो गर्मी के मौसम में इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। जाड़ों के मौसम में ये डोरमेंसी में चला जाता है, तो ये एक बहुत खूबसूरत गर्मियों का फ्लावर है। दूसरा पौधा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है देखिए ये अडेनियम। अडेनियम में भी देखिए पत्तियाँ कम और फूल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इतनी तेज़ गर्मी यहाँ पर पड़ रही है लेकिन इसमें जो है वो 100 के भी ऊपर फ्लावर्स इस समय ब्लूम कर रहे हैं और ये भी धूप और गर्मी में बहुत आराम से गर्मी को सह लेता है। और ये एक रेगिस्तानी पौधा है और इसलिए इसको हम डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जानते हैं। अडेनियम के कई वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को वॉच करिए। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इसकी मिट्टी कैसे बनाएं, इसे कैसे रखें और इसकी देखभाल कैसे करें। ये देखिए ये कितना प्यारा कलर का, रेड कलर का ये देखिए अडेनियम कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये हैं मेरे वाइट कलर के अडेनियम और ये पीछे लगे हैं देखिए पिंक कलर के अडेनियम। तो अडेनियम जो है वो जितनी ही गर्मी पड़ती है उतना ही खिलता है और ये बहुत खूबसूरत गर्मियों में लगता है। जो तीसरा पौधा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो धूप और गर्मी को पसंद करता है और बहुत अधिक खिलता है, कई रंगों में आता है, वो है विंका फ्लावर। ये देखिए मेरे गार्डन में कितना विंका खिला हुआ है, शेडेड है आपका, पिंक है आपका और आपका जो है ये लाइट पिंक कलर का जिसमें रेड डॉट्स हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये पिंक वाले विंका भी, ये कितने सुंदर ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए हर कलर का विंका जो है ये लगा हुआ है, छोटे गमलों में, बड़े गमलों में। और ये देखिए ये रेड विंका है, ये भी कितना सुंदर लग रहा है। ये गर्मियों को की परवाह बिना किए इनको धूप पसंद है और ये खूब खिलते हैं, लेकिन जब ये गिर जाएं तो इनके आप फूलों को तोड़ दीजिए तो तोड़ने से ये देखिए ये सब बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, ये और बर्ड्स इसमें निकलती चली आती हैं और ये पूरी गर्मी और बरसात खिलता रहता है। बल्कि एक परमानेंट फ्लावर है ये, जब जाड़ा होता है तब भी ये गमलों में रहता है और इसको आप जो हैं वो अगले मौसम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गर्मी के दिनों का ये भी एक बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। जो चौथा पौधा है वो मेरा कॉस्मस का है। ये देखिए कॉस्मस के कितने सुंदर फूल इस समय खिले हुए हैं। ये फूल भी धूप को बहुत अधिक पसंद करते हैं, ये गर्मी की परवाह नहीं करते और
काफ़ी खिलते हैं, लेकिन इनमें भी यही है कि जब ये खिल जाएं, जैसे ये खिल गया है, इनको आप जो है वो काट दीजिए। येलो कलर के लगे हुए ये कॉस्मस के फ्लावर गर्मी के दिनों में गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए जितने फूल नहीं है उससे ज़्यादा जो है ये देखिए बड्स लगी हुई हैं इसमें, और जो फूल आते जाते हैं, गिरते जाते हैं, मैं उन्हें तोड़ती जाती हूँ, इनमें पानी डालती हूँ और महीने में एक बार होम मेड फर्टिलाइज़र का इतनी भरी गर्मी में यूज़ करती हूँ। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें नहीं उपयोग करती हूँ। तो गर्मी के दिनों में जब फूलों की कमी हो, आप इसको भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके बाद का जो पौधा है वो है हमारा गुड़हल का प्लांट, जिस हिबिस्कस, जो कि आपका कई वेराइटीज़ में आता है, हाइब्रिड में भी आता है, देसी में भी आता है। मेरे गार्डन में इस समय देसी गुड़हल जो हैं वो ज़्यादा खिल रहे हैं। गुड़हल भी गर्मी बरसात का एक बहुत सुंदर प्लांट है, और इसकी भी अगर आप केयर करें तो ये बहुत अच्छा खिलता रहता है, इसमें बर्ड्स भी आती रहती हैं। मेरे यहाँ हाइब्रिड भी लगा है नीचे के ग्राउंड में, तो लेकिन इसमें एक ये समस्या रहती है, ये थोड़ी इसकी समस्याएं ज़्यादा हैं, इसमें ज़्यादातर मिली बग का अटैक होता रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये राय दूंगी कि इतनी भरी गर्मी में अगर आपके गुड़हल पर मिली बग का या किसी भी कीट का अटैक होता है, तो प्लीज़ आप लोग तेज़ इसमें किसी भी केमिकल से युक्त जो है वो कीटनाशक का छिड़काव ना करें, बल्कि नीम ऑयल का छिड़काव करें, और या करें और या फिर घर में बनाया हुआ जो सर्फ का पाउडर, जो स्प्रे मैंने बता रखा है, उसका छिड़काव करें। उससे इसके जो मिली बग्स हैं वो चले जाते हैं और ये फिर फ्लावरिंग करने लगता है। तो छठा पौधा जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है बोगनवेलिया का पौधा, जो कि धूप और गर्मी को बहुत पसंद करता है। एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है ये प्लांट। इसमें अगर आप कम पानी डालेंगे तो ज़्यादा फूल देगा, और ज़्यादा पानी डालेंगे तो कम फूल देगा। कई कलर्स में आता है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले इसका भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, और आप जाकर के उसको देख सकते हैं कि बोगनवेलिया कितना भर भर के फूल देता है। और इसमें मैं गर्मियों में कोई खाद का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, फिर भी इसमें फ्लावर्स आते ही रहते हैं। आजकल बरसात क्योंकि होने वाली है, तो आप इस फ्लावर को जो है वो कटिंग से लगा दीजिए। इसकी मोटी, जो मैंने पहले के वीडियो में बताया है, मोटी इसकी कलम को लीजिए और अच्छी फर्टिलाइज मिट्टी को तैयार करके उसमें लगा दीजिए बोगनवेलिया को। तो बरसात में जब पानी गिरेगा तो आपका बोगनवेलिया तैयार हो जाएगा, और कहीं से भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाड़ों में बोगनवेलिया के प्लांट्स जो हैं वो डोरमेंसी में रहते हैं और ये फूल नहीं देते हैं, लेकिन गर्मियों में और बरसात में ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है। इसके बाद का जो हमारा सातवां फ्लावर है वो है पोर्टोलोका फ्लावर्स। पोर्टोलोका फ्लावर्स सभी की पसंद होते हैं और इनको लगाने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। इसमें जड़ आपको नहीं चाहिए, कुछ आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आप इसकी एक छोटी सी डंडी काटिए और गमलों में लगा दीजिए, और ये जो हैं ये बहुत अच्छे ब्लूम करते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, कई वेराइटीज़ में आते हैं। मेरे यहाँ ये देसी पोर्टोलोकास आजकल खूब खिल रहे हैं, और ये जितनी धूप होती है ये उतना ही खिलते हैं, ये धूप को बहुत पसंद करते हैं, और बरसात में भी पोर्टोलोका बहुत अधिक ब्लूम करते हैं। तो इसको, ये भी बिगनर्स के लिए एक बहुत अच्छा फ्लावर है। कई वेराइटीज़ आती हैं, हाइब्रिड और देसी, और इसके अलावा इसकी एक और वेराइटी आती है, वो पर्सलेन वेराइटी होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो अपने गार्डन में आप गर्मियों में पोर्टोलोका मार्च से ही आप इसकी जड़ें लगा दीजिए, और बाद में जब सीज़न ऑफ हो जाए तो इसकी छोटी छोटी जड़ों को पीछे आप गमलों में डाल दीजिए, और अगले साल भी वो आपके काम आएंगी। तो ये भी एक गर्मियों का बहुत खूबसूरत फ्लावर है, और इसके भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप जाकर के उनके डिटेल्स का पता कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको अपने बाग में खिलने वाले ये गर्मियों के पौधे दिखाए, जो कि गर्मियों को में धूप में खूब खिल रहे हैं। आप लोग भी ये मत समझिए कि गर्मियों में हम कोई पौधे लगा नहीं सकते या ब्लूमिंग नहीं होती है। किसी भी पौधे की अगर केयर की जाए और उसकी ठीक से देखभाल की जाए तो वो गर्मियों में भी आपका खिलता है। और गर्मियों में के सीज़न में खिलने वाले इन सात पौधों के मेन मैंने आपको नाम बताए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।